हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री विषय का जो टेस्ट लिए थे उसका आंसर जारी कर रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो आपका सही जो उत्तर है वो है 3 नंबर वाला, यानी विलियम जोन्स। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद है सहायक संधि का प्रणेता कौन था? ये भी लॉर्ड वेलेस्ली थे। उसके बाद 4 नंबर में आइए, यह है कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। अगला है समथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। छह नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। उसके बाद है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह आपका हो गया बारेन हेस्टिंग। 7वां नंबर है अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक था कार्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1793। उसके बाद है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ये किया गया था बंगाल में। रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता? रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है किसान होता है। उसके बाद है भारत आने वाला जो है प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। 12 हो गया। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। डलहौजी ने विधवा विवाह अधिनियम की मान्यता कब दिया था? ये 1855 में दिया था। अगला क्वेश्चन है दामिन इको क्या था? तो दामिन इको जो है आपको भूभाग था। फिर है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ये हुआ था 1875 ईस्वी में। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। उसके बाद है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये थे सिद्धू और कान्हू। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। उसके बाद आ जाइए पलासी। पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था? वो हुआ था 1757 ईस्वी। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता? तो पहला सिपाही कौन है? मंगल पांडे जी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। फिर 1857 की क्रांति आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स। 1857 में जो है पटना में इसके क्रांति का नेतृत्व के किया था? ये किए थे पीर अली। उसके बाद आ जाइए आप 27 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? लखनऊ में कौन किया? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। उसके बाद आ जाइए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से और जाना जाता? रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहते हैं? मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853। अठारह सौ संतावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय में क्या था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली कौन है? वास्को डिगामा। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण? ये तो इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित? फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। सात द्वीपों का नगर बंबई को कहते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? सबसे पहले मद्रास में बसे। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में बना हुआ इमारत है? तो ये है आपका नोगोथिक शैली में। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई में है। मुंबई बम्बई। उसके बाद आ जाइए आप 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? यह है हुगली नदी के तट।
अमार कथा की लेखिका कौन थी? विनोदनी दास। निम्नलिखित में जो है क्या है, भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो भारत का सरताज कहते हैं बम्बई को। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ये बम्बई का ही। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया था? केसर ए हिंद का। उसके बाद है कि स्वराज पार्टी का गठन जो है कौन किया था? तो स्वराज पार्टी के गठन किए थे चित्तरंजन दास। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। फिर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। उसके बाद है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। करो या मरो का नारा के दिया था? गांधी जी दिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? कहाँ किए थे? चंपारण में। के बाद आ जाइए 54 नंबर में। 54 में है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? 1917 में गए थे किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल जी के। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी नमक कानून जो है तोड़े थे। कब तोड़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में? ये तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। डांडी किस राज्य में? डांडी आपका कहाँ है? गुजरात में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था पूना समझौता। उसके बाद है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? यह है राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। आनंद मठ की रचना कौन किया था? ये किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? ये है नील की खेती से। हो गया। उसके बाद आ जाइए आप 66। 66 में है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून कहा गया है रौलेट एक्ट। उसके बाद है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 1946 में। गांधी इरविन समझौता 1931। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945। अगला है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये कौन था? लियाकत अली था, खां। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये सभी जानते हैं कि 1942। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की रचना है। फिल्म जो है गरम हवा ना, गरम हवा के निर्माता कौन थे? M.S. सत्यू। अगला है मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? इसके निर्माता जो थे आपको ऋत्विक घटक जी थे। पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक है प्रकाश टंडन। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया था? कौन किया था? चौधरी रहमत अली। अगला है संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 389। अगला है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह है संविधान जो भारतीय संविधान था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। 86 नंबर है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो है इसे देखिए, इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। इसके प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो वो थे आपके कौन? सचिदानंद सिन्हा जी थे।
सचिदानंद सिन्हा ये थे। सतासी नंबर है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये 1949 में। 88 में है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था, कौन पेश किया है, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में कौन किया था, आर बी धुलेकर। अगला है, भारतीय संविधान कितने दिनों में जो है तैयार हुआ था, ये तैयार कितना दिन में हुआ था, 2 बरस 11 महीना और 18 दिन, यानी लगभग जो है 3 बरस, लगभग इसको कह सकते हैं 3 बरस भी कहीं कहीं रहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। पाकिस्तान के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान के तो ये कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक के है भाई, ये जो हैं आपको डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके प्रयासों से जो है रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी, इनका प्रयास था, ये था वल्लभ भाई पटेल जी का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ये तो जवाहरलाल नेहरू जी। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता जो है किनको कहते हैं, सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के पिता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन हो गया, इसमें सभी बच्चे अपना देखें और जो है किस तरह अगर कोई प्रकार का त्रुटि हो आंसर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, और जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करें और करवाएं।